नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर टैलेंट्स में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाने वाला हूँ सर्च फील्ड कैसे ऐड करते हैं पिवोट टेबल में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये फाइल है, करेक्ट, इसको मैं पहले पिवोट मारूँगा। सो पहले जूम कर दूँ ताकि आप देख सको। तो ये मेरा डेटा है, नेम, सेल्स, प्रोडक्ट, जैसे रैंडम डेटा मैंने पिक किया हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पीओ टेबल मारूंगा। मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी व्यूअर्स इज ऑलरेडी नो कि कैसे पीओ मारते हैं, राइट। सो ओके, यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा मेरे नेम्स एंड फील्ड्स जो मुझे रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे जो नेम्स है, ये जो पर्टिकुलर बंदे हैं, ये लोग ने जितना सेल्स किया हुआ है, ये उसके अगेंस्ट नेम में आ जाएगा। लेकिन मुझे नेम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि मेरे पास मुझे देखना है कि मेरे प्रोडक्ट कितने हैं और प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेल्स कितना हुआ है, राइट। सो मैं नेम्स हटा दूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो ये मेरे फील्ड्स है, सैनिटाइजर कितना सेल हुआ, ठीक है, स्लग्स, जर्म्स किलर, जो कुछ है, ठीक है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया डेटा। अभी मुझे देखना है कि एक बंदा या फिर जो कोई है मेरे पास, राइट, कलीग, वो बंदा किस तरह से कितना सेल कर पा रहा है, राइट। जानने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा स्लाइसर, करेक्ट। इंसर्ट स्लाइसर में जाऊंगा, यहाँ पे नेम में क्लिक करके यहाँ पे गया मैं एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर, वापस दिखाता हूँ आपको। ये टेबल सेलेक्ट किया, अगर आप ये टैब में हो, एनालाइज पे क्लिक करो, इंसर्ट स्लाइसर पे जाओ, नेम पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक, ठीक है। सो इसमें ये डेटा दिखाएगा, आपको पूरा डेटा दिखा देगा कि मतलब कितना, कितने कलीग्स है, कितना नहीं है। अपने को रिस्पेक्टिव कलीग्स का देखना है, राइट। मुझे ज्योति का देखना है, ठीक है। लक्स कितना सेल हुआ, निखिल, ठीक है, निशा, ठीक है, दिस इज द थिंग। अब मुझे चेक करना है कि अभी डेटा, सपोज मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, राइट, अगेन एंड अगेन। अभी ये सपोज कुछ 21 एंट्रीज हैं, बट अगर सपोज आपके पास 200 या फिर 2000 ऐसे कुछ एंट्रीज हो, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको सर्च बार चाहिए इसमें, ठीक है। तो सर्च बार डालने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसको साइड में रख देंगे थोड़ा, ताकि अपने को ईजीनेस हो और आप भी देख पाओ। एनालाइज में जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक, एंटायर पीओ टेबल क्लिक किया, देखो अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे मैंने साइड में कर दिया था, यहाँ पे क्लिक करा, एनालाइज पे क्लिक, एंड देन सिलेक्ट में जाके एंटायर टेबल, इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि पूरा स्पेस एक्वायर हो पाए और ताकि आप भी देख पाओ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज मैं ये डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, दिशा पे, ठीक है, तो मेरा दोनों डेटा लिंक है, करेक्ट। सो अगर लिंक नहीं रहेगा आपका डेटा, राइट, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना, यहाँ पे मेक श्योर करना कि आपके दोनों टेबल चेक इन है, करेक्ट। अगेन टेस्टिंग पर्पस, अगेन चेकिंग, चेक कर रहा हूँ मैं दोनों बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार ऐड करना है, ताकि मैं हर बार स्क्रॉल करते हुए ना ढूंढू किस डेटा किस प्रकार का है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फील्ड्स में, ये जो अपन पीओ टेबल का जो फील्ड्स करते हैं वो, ठीक है, और फील्ड्स टैब ऐड ऑन करूँगा, इसे सिलेक्ट करना है मुझे ये टेबल को, एनालाइज में जाके सिलेक्ट पीओ टेबल एंटायर, करेक्ट। यहाँ से मैं प्रोडक्ट हटा दूंगा क्योंकि मुझे नेम चाहिए, राइट, तो मैं पीओ टेबल्स में फील्ड्स में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट हटा दे रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। ऐड करूँगा नेम्स, मुझे नेम्स चाहिए, राइट,
और ये जो सेल्स वाला टैब है ना, मैं इसको मूव करके यहाँ पे रो में डाल दूंगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ पे ऐड करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे ढकेल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो नेम्स जो ऐड किया था मैंने, उसको मैं फिल्टर्स में डालूंगा यहाँ पे ये टैब में। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये सर्च बार है इसको यहाँ पे रखना है, राइट, यहाँ पे रख दिया। साइज को एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि पीछे वाला ढक जाए। ठीक है, सेम यहाँ पे क्लिक किया मैंने, नाम डाल रहा हूँ, ओके पे क्लिक, राइट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, ये भी डेटा मुझे फेच कर रहा है, करेक्ट। सो अगर आप नॉर्मल पीओट में करोगे तो सर्च पर ऐड नहीं होगा, तो इसलिए अपने को फिल्टर में ऐड करके करना पड़ रहा है ताकि इजी हो। मोस्टली बिग डाटा जब रहता है, राइट, तब अपन को ये यूज़ करने के लिए यूजफुल होता है, करेक्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें या सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।